एक्सीडेंट हो गया था ना उसका, अपनी दुकान इधर ही अच्छा दुकान के सामने ना उसका एक्सीडेंट हो गया, अपना इसने मार के गया, स्कूटी वाले ने मार के गया। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि हमने रेस्क्यू कैसे शुरू किया। तो पीपल फार्म जब हमने शुरू किया, ना तो हमारे पास कोई वेट था, ना रेस्क्यू करने के लिए कोई गाड़ी थी, और ना ही कुत्तों को रखने के लिए हमारे पास जगह थी। एक बैल और खच्चर को तो हम यहाँ तिरपाल लगा के इलाज कर रहे थे, पर कुत्तों के लिए हम स्थानीय लोगों की मदद से वहीं मौके पे जाके उपचार करते थे। इसका नाम हमने ट्रीट ऑन स्ट्रीट दिया। हम लोग गांव के आसपास के जानवरों के घर जाके कम शुल्क में या मुफ्त इलाज करते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास जानवरों को क्लिनिक ले जाने का साधन नहीं होता और कभी गाड़ी के किराए के पैसे नहीं। हमारे कुत्ते को देख तो जाओ, हुआ क्या? एलर्जी है इसको, पूरी बॉडी रेड हो गई। बेसहारा जानवरों के अलावा जो पालतू जानवर हैं, उनको भी ट्रीट ऑन स्ट्रीट से मदद होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जानवरों को अस्पताल नहीं ले जा पाते। तो ना सिर्फ ट्रीट ऑन स्ट्रीट से उन जानवरों की मदद होती है, बल्कि स्थानीय लोगों से आपका मेल जोल बढ़ता है और फंडिंग का भी एक जरिया बन जाता है। तो इंजेक्शन लगा दो आप? पहले की पर्ची दिखाओ ना। मम्मी पर्ची को तो कुत्ते ने गाय का ठेक दिया। इंजेक्शन हो जाएंगे। हम लोग मुख्य रूप से कुत्तों और गायों का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर सड़कों पे वही दिखते हैं। जानवर और वाहन जब साथ आते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप भी रेस्क्यूज करना चाहते हैं तो ऐसे शुरू कर सकते हैं, और जब आप करेंगे तो आप इन रेस्क्यूज के वीडियोस को अपने पेज पे डालिए, उससे भी लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके सहयोग में आगे आएंगे। फिर थोड़ा सहयोग जब मिलेगा तो आप थोड़ी जगह रेंट पे ले सकते हैं, कुछ जानवरों को रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर सब कुछ सही रहा तो आप एक वेट भी रख सकते हैं, उसके बाद आप अपने क्लिनिक से और फंडिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले दिन भागना नहीं शुरू हो जाता, वो रेंगता है, लड़खड़ाता है, चलना सीखता है, फिर भागता है, और भागने पे भी कभी ठोकर खा के गिरेगा, फिर उठेगा। तो चाहे आप रेस्क्यू शुरू कर रहे हैं या कुछ और, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप भी अगर अपने अलावा किसी मुद्दे की परवाह करते हैं, चाहे वो जानवरों के बारे में हो या इंसानों के बारे में, तो अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर करिए। हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म।